नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज शनिवार का दिन और ऐसे में आ रही है इसी दिन योगिनी एकादशी, जिसको करने से गोहत्या कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। इस सनातनी एकादशी का व्रत संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए जहाज के समान और सब प्रकार के पापों का नाश कर मुक्ति दिलाने वाला है। इसके प्रभाव से गोहत्या तथा पीपल के पवित्र वृक्ष को काटने जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और अति भक्त का भयंकर कुष्ठ रोग इसके पुण्य के प्रताप से दूर हो जाता है। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से मिलता है। व्रती के सारे मनोरथ पूर्ण करने और मोक्ष प्राप्ति में भी यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। तो ऐसे में अगर आपने व्रत किया है तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा, और अगर आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए एक खास उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको मात्र सायंकालीन में पीपल देव के वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दिया जलाना है और पीपल देव की 4 परिक्रमा करनी है। वहीं पे पीपल देव पे सूत का धागा भी लपेट देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान पीपल देव की परिक्रमा करें तथा वहीं बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव का कोई भी उपाय पीपल से संबंधित ही होता है, और ऐसे में एक खास संयोग आपको शनिदेव की कुदृष्टि से भी बचाएगा और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी प्राप्त करवाएगा। तो दोस्तों, यह खास उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।